और अब बात करते हैं रीवा की, जहां जिले में एक बार पुनः गोवंश हत्या का मामला प्रकाश में आया है। मामला इतना गंभीर है कि व्यक्ति की रूह भी कांप जाए। बताया जा रहा है कि थाना गढ़ क्षेत्र में कटरा बाजार के पास दधिवल साकेत बाबूलाल साकेत निवासी ग्राम कटरा के द्वारा बीती रात एक लगता गाय के बछड़े को मार काट कर पकाया जा रहा था, जिससे आसपास शोर शराबा हुआ और यह मामला तूल पकड़ता नजर आया, तो आरोपी फरार हो गए थे। मौके पर पुलिस बल पहुंच चुका है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। लगता गाय नजदीक के ही किसी अन्य हरिजन परिवार की बताई जा रही है। घटना ग्राम पंचायत कटरा जनपद पंचायत त्योंथर एवं थानागढ़ क्षेत्र की है। जानकारी मिलने पर डायल 100 पुलिस और साथ में टीआई गढ़ रामकुमार गायकवाड़ मौके पर पहुंची और बछड़े के शेष बचे हुए हृदय और अन्य मांस को एक टोकरी के नीचे 2 इंच रखकर ढकवा दिया गया है। पास में एक तगाड़ी भी रखी हुई है, जिसमें गाय को काट कर मांस निकालने का कार्य किया गया था। आसपास के लोगों के द्वारा बताया गया कि इससे पहले भी कटरा क्षेत्र में इस तरह की वारदात हो चुकी है, जिसमें इन्हीं आरोपियों के द्वारा पहले भी कुछ मवेशियों को काटा गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। बताया गया है कि आरोपी फरार है और डायल 100 की गाड़ी मौके पर ही खड़ी हुई है। इस घटना से कटरा क्षेत्र के धार्मिक आस्था रखने वाले लोगों को काफी आघात लगा हुआ है और आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार शेष बची हुई मांस का मेडिकल परीक्षण वेटनरी डॉक्टर के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि मांस किस मवेशी का है। अब का बात है? चले राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।